सोचा था जो रात में, जो तू ना मिला मुझे, जो तू बिच्छू ना मिला मुझे। जो तू अरे यार तुम बैंड के लोड़ों को क्या पता स्टाइल क्या होती है। तुम बैंड चोद वहां पे जाते हो नुक्कड़ के बाहर अपना हेयर कट करवाने और अपनी सेव करवाने के लिए। वहां पे तुम बैंड के लोड़ों जाके उसी जो बंदे की शॉप है उसी के बैंड के लोड़ों उसका तुम मुफ्त का तुम लोग चाव पीते हो, मुफ्त का उसका तुम बैंड के लोड़ो न्यूज़पेपर रीड करते हो। अगर वो बंदा बीड़ी पीता होगा तो उसकी तुम लोग मुफ्त की बीड़ी पीते हो, और फिर वो बंदा जो आपको दो कौड़ी की हेयरस्टाइल बना के देगा वो तुम बैंड के लोड़ो वही हेयरस्टाइल बना के तुम निकल लेते हो। आज भी तुम सालों कुत्तों पॉन्स या कौन सी ब्रांड थी वो, पॉन्स का पाउडर आता था या भैंचो पता नहीं वो गमोरिया का कुलकुल ठंडा कुलकुल भैंचो, आज भी तुम लोग वही यूज करने वाले लोग हो। ठंडा कुलकुल लगा दो भैया, बहुत गर्मी हो रही है। वही भैंचो पॉन्स खुशबू अच्छी आती है पॉन्स में से, वही तुम साले कुत्ते लोग है ना। I have a red, white and blue. Okay, can I get that as well? सालो कुछ तो शर्म कर लो। आज हम लोग भैंचोद हेयर अपना कटवाने के लिए हम लोग मंगल ग्रह पे जाने के लिए सोच रहे हैं कि भाई चलो मंगल ग्रह पे जरा हेयर बेट कट कर हेयर कट वट करवा के आ जाते हैं वापिस। और ये बैंड के लोड़ो वही भैंचो मोहन हेयर कटिंग में जाके दुनिया भर की बकचोदियां पेलते हैं। भैंचो शर्म आनी चाहिए कुत्ते लोगों को। रात रात भर बैंड के लोड़े जगते रहते हैं, पता नहीं सुबह में उठ के उनके पास कोई काम धंधा है या नहीं। साले कुत्ते हरामी लोग। भाई समझ लो जिस मैं लाइव पे नहीं आया ना रात को 10:30-11 बजे मतलब कि मेरा मूड ठीक नहीं है। Yeah, just a white clone car, right? Yeah. शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज भी तुम बहन के लोड़ो वो गांव के अंदर क्या बोलते हो उसको, बहन के लोड़ो दिल्ली बॉम्बे बेंगलुरु से आगे निकलो, भैंचो आगे भी दुनिया है बहुत बड़ी। कितनी बड़ी ये दुनिया है, हम लोग अमेरिका में रहते हैं, अब हम लोग भैंचो यहाँ से मून पे जाने के लिए सोच रहा हूँ आज रात को मैं।
Hello. We don't have any chocolate right now. It's so hard. साले हरामी लोग आ जाते हर रोज सुबह सुबह मेरी लाते खाने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मॉर्निंग मॉर्निंग में लोग यार सुबह में उठ के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं और ये आ जाते हैं बहन के लोड़े मेरी लाते खाने के लिए। कुछ तो शर्म कर लो। जिसको भी यार होना है वो लिखो नीचे लात खाऊंगा, लिखो नीचे लात खाऊंगा, लिखो नीचे उसको मैं ऐड करूंगा। नीचे लिखो लात खाऊंगा उसको मैं ऐड करूंगा। जिसने भी लिखा लात खाऊंगा उस हरामी को ऐड करूंगा मैं। ये कोई ये है एंग्री श्रुति, आजा भाई एंग्री श्रुति के नाम, आजा भाई एंग्री श्रुति, आजा भाई फेक अकाउंट। नीचे लिखो लात खाऊंगा। आजा भाई ये कौन है, आजा भाई तू भाई। तीन लोगों को ऐड किया है मैंने, तीन लोगों को ऐड किया है, अब देखता हूं कौन आता है लाइव पे। एक हेलो हेलो, और कहां से है? गुजरात से। अच्छा अच्छा तू भी हीरे गचता है क्या? अरे मैं मशीन में काम करता हूँ। हाँ तो एक ही बात हुई ना, कौन सी हीरो की मशीन में काम करता है? हाँ हीरो की मशीन में। और तू कहाँ से है रे नकली, कौन नाम है तेरा? सूरत, सूरत गुजरात, सूरत। अरे तुझे नहीं पूछ रहा हूँ, रुक जा मोटे, इसको पूछ रहा हूँ। अरे कहाँ से रे ओ पागल औरत। हेलो ओ पागल औरत कहाँ से? हेलो भाग गई पागल औरत। अच्छा भाई तू वहां पे, भाई तेरी शकल अच्छे से दिखा, कैमरा थोड़ा पीछे रख, साले अंदर घुस जाएगा क्या पूरे कैमरे में? थोड़ा ऐसे 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 पीछे होके ऐसे ऐसे आराम से बात कर। हाँ ऐसे थोड़ा, हाँ ऐसे बात कर, अंदर घुस जाएगा कत। क्या नाम है भाई तेरा? मेरा नाम भाविन है। अच्छा अच्छा तो ये अपना ये क्या बोलते हैं, ये हीरे भी घिसता है तू सूरत में? हाँ मशीन लेसर, लेसर। अच्छा अच्छा शादी हो गई तेरी? हाँ हो गई शादी तेरी? हो गई। अच्छा अच्छा तो तू यहाँ पे हीरे घिस रहा है तो तेरी बीबी को कौन घिसता है आज रात को, हर रोज रात को? तू यहाँ पे हीरे घिसता है बड़वे तो तेरी बीबी को हर रोज रात को कौन घिसता है? तेरा पड़ोसी घिसता है या तेरा मकान मालिक घिसता है? भाग गया हरामी। लिखो नीचे लात खाऊंगा उसको ऐड करूंगा आज मैं। लिखो नीचे लात खाऊंगा, लिखो। ये आ जा भाई, लिखो लाते खाऊंगा। आ जा भाई आशीष सेट्टी ये बोल रहा है लात खाऊंगा।
भाई ये दूसरी कमेंट मैं नहीं पढ़ता हूँ, मुझे जितना हिंदी आता है इतना ही पढ़ सकता हूँ मैं। अभी मैंने गूगल पे जाके मैंने सर्च किया है कि लात खाऊंगा कैसा हिंदी रहता है, तो मैंने अभी वो चीज को मैंने दिमाग में डाला हुआ है। तो दूसरे तुम यहाँ पे दूसरे फालतू मैसेज मत करो, मुझे समझ में नहीं आती हिंदी मुझे। और कहाँ से है रे तू? सूरत गुजरात और क्या करता है भाई तू वहां पे? तू डायमंड डायमंड हीरे में तो भी घिसवाता है अपनी हीरे में। कितने साल से चार घिसवा रहा है भाई अपनी? साल से हाँ अच्छा, 4 साल से घिसवा रहा है। तो घिसवाते घिसवाते तेरी गांड का जो छेद है वो कहां तक आ गया? यहां तक आ गया है। वो तेरे को इधर आना पड़ेगा देखने के लिए। अच्छा, तू इतना काला क्यों है रे कुत्ते? कितना काला कलूटा है, तुझे शर्म नहीं आती? फिल्टर विल्टर लगा? तू कितना गोरा है ये अरे मुझे बता। वॉमिट, अरे वो काले कलूटे, मुझे वॉमिट सा फील हो रहा है, जल्दी से फिल्टर लगा। काला तू तू कितना गोरा है फिल्टर वो लगाता है फिर बता भी? कितना काला है रे तू? फिल्टर लगाने के बाद भी तू काला दिख रहा है मुझे, ना। फिल्टर नहीं है ये पागल है क्या? इस रॉन्ग साइड बड़े, ये भैंसोत पागल। आजाद बने क्या इस रॉन्ग साइड, यू ऑन द राइट वे अदर साइड। भाई यस पनोड़ी एक बात बता, हाँ, तेरे उधर दारू कितने का मिलता है? अरे भोसड़ी के यहाँ दारू बारू की बात करेगा तो रंडीबाज। तुझे जो बोला वो, तुझे जो पूछा वो बता। ये फिल्टर लगाने के बाद भी तू इतना काला कलूटा क्यों दिख रहा है रे? अरे फिल्टर नहीं है लगाया लौड़े, तेरे अरे को तो फिल्टर फिल्टर दिख रहा है लगा, इसमें? मुझे वॉमिट जैसा हो रहा है भोसड़ी के तेरी शक्ल से। नहीं लिखा ना फिल्टर फिल्टर। रुको बड़वे, हाँ बोलना बड़वे। पार लीजिए। देख पनोड़ी 2250 बड़ी। थैंक्स मैन, बाय, टेक केयर। देखो एक भोसड़ी के हीरे में काम करता है लेकिन चार चार तो एसी रखते हैं, देख ले। देख दो उधर दो इस साइड देख ले। अच्छा, यहाँ पे तूने 4 AC लगा के रखवा है लेकिन तेरी माँ वहां गर्मी में चूद रही है तेरे मकान मालिक से, उसका क्या? तेरी मैया चोद रहा हूँ ना मैं इधर, वहां तेरी मम्मी तेरी भावना बहन वहां पे चूद रही है, उसका क्या? अरे भोसड़ी के तेरी मैया इधर चोद रहा हूँ मैं। या निकल, तेरे माँ की चूत भोसड़ी का बोर कर रहा है कब से, लोगों को दिखा रहा है। मादर चोद मुझसे बात करना है या लोगों को दिखाने के लिए आए यहाँ पे? और आई हैव गमी कीवी पैशन फ्रूट गुआवा क्रैनबेरी क्रेप फूल मी ब्लू ग्लास आई ब्लू बैनर्जी पीना कलाडा स्ट्रॉबेरी बनाना सावर एप्पल आइस। या लिखो नीचे, तुम्हारी माँ की चूत के लात खाऊंगा, लिखो। Hello. So beer or something like that. Yeah, go inside. तुम सालो इतने कल मुए हो ना, जब भी मैं लाइव पे आता हूँ ना भैनचोद, मैं बिजी हो जाता हूँ। Go inside.
ओ वे गाड़ी थैंक्स मैन। That's it, right? So go. Thanks, man. Have a good night. Hi, how are you? Uh-huh. Yeah. I have Popsy. Let me see. Yeah, I have popsicles. Okay. And half and half, right? Yeah. Actually, I don't have cookies today. I'm sorry for them. You don't have what? I don't have cookies for them. Yeah, I'm sorry. Hello. 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 अरे सामने तो आ जा भाई। हेलो भाई, सामने आना है या मैं तुझे लात मार के नीचे बिठा दूं? हेलो, ओ हरामी, ओ कुत्ते, क्या कर रहा है भाई तू? नीचे मूठ मार रहा है क्या? ओ कुत्ते, चलो भाई निकल, तेरी माँ का पोसड़ा तेरी। बैंड के लौड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। देखो भाई, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मैं क्या करूं बताओ? किसी को बात नहीं करनी अच्छे से। लिखो लात खाऊंगा, लिखो लिखो फटाफट। लिखो लात खाऊंगा। लात खाऊंगा जो, हाँ एक ने लिखा, निखिल ने लिखा। हाँ भाई निखिल, निखिल ने लिखा के लात खाऊंगा। आ जा भाई निखिल लात खाने के लिए। ये अनुज भी लिख रहा है लात खाऊंगा। आ जा भाई अनुज, तू भी आ जा। कैसे कैसे लोग आते हैं बहन चोद। कैसे कैसे लोग आते हैं यार यहाँ पे। आ जा भाई,
कोई पंछी। हेलो हेलो, और कहाँ से हो? हाँ, मुंबई। अच्छा अच्छा, तो सामने आ जाओ यार, आप छुपा क्यों रहे हो अपना मुंह? क्या तेरा घटिया, तेरा मुंह इतना घटिया है साले, जो तू कैमरे के सामने नहीं आ रहा है? अबे चूत के तगल के तू देख, तेरी माँ की चूत तेरा चेहरा पहले रंडी के। भाई सुन, सुन सामने आना है, सुन सामने आना है या मैं तुझे लात मार के नीचे बैठा हूँ, वो बता। तेरी इतनी औकात है तेरी माँ का भोसला तेरी पनोड़ी की? भाई देख, रोस्टिंग लाइव चल रही है, तुझे सामने आना है या नहीं आना है? सामने नहीं आऊंगा, ऐसी बोलेगी तेरी मां छोड़ूंगा फोन। तो चल भाई निकल ले तू। भाई सामने नहीं आओगे तो रोस्टिंग का मजा कैसे आएगा? भाई जिसको भी आना है अपना कैमरा ऑन करके आओ, वरना मत आओ, ठीक है? चलो नीचे लिखो, लात खाऊंगा, उसको ऐड करूंगा मैं। ये है कोई सुंदर चौधरी, आ जा भाई सुंदर चौधरी। और कौन है सुंदर चौधरी? आ जा भाई। ये कोई दूसरा बड़वा है, आ जा भाई, इसने तो डिक्लाइन कर दिया। आ कोई भाई सामने आ जा पहले। हेलो, पीना कलाड़ा स्ट्रॉबेरी बनाना कोला आइस एंड सावर एप्पल आइस। हाँ भाई सामने आ जा। हाँ आ गया, कहाँ से है भाई? बॉम्बे से बोल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है भाई तेरा? मेरा नाम विशाल है, बोल। अच्छा अच्छा, क्या करता है भाई वहाँ बॉम्बे में? घूमता हूँ, क्या करूंगा इधर। अच्छा सिर्फ घूमता रहता है पूरा दिन? घूमने का तुम्हारे जैसा बिजनेस थोड़ा करते हैं हम। क्या बोल रहा है? तुम्हारी तरह थोड़ा बिजनेस करते हैं हम। अच्छा तो पूरा दिन घूमता ही रहता है? रात को सोते हैं, दिन को घूमते हैं, क्या करेंगे। अच्छा रात को सोते हो और दिन को घूमते हो, तो फिर ये खाने कूड़े का खर्चा कहाँ से निकालते हो? वो तो निकाल लेते ना। कैसे? ले हो जाता है सब। अरे लेकिन कैसे हो जाता है, गांड मरवाता है तू अपनी, क्या करता है ये तो बता। पहले तेरी गांड मारूंगा मैं, वो फाइनल है। अच्छा सॉरी ब्रो, अच्छा मेरी मारेगा? तो तू मेरी मारेगा तो मैं तेरी नहीं मारूंगा क्या? तूने तूने कभी ये सोचा? ये तेरी आईब्रोज है साले, कुत्ते राक्षसों जैसी आईब्रोज है, उससे तो अच्छा तू बेंच और रामायण महाभारत में जाकर किसी रोल के लिए अपील करता, वहां पे तुझे किसी राक्षस के किरदार में ले लेता साले बड़वे। बेलोरे तेरे से अच्छा हूँ, देख तेरी शक्ल देख, पूरा मुंह का दिखा, लाइट्स ऑन करके तेरी शक्ल दिखा तो। क्यों नहीं अच्छी लगती है क्या तेरे को? अरे दिख नहीं रही है तेरी ये राक्षस वाली, सिर्फ आईब्रोज दिख रही है भोसड़ी के। सुन, हाँ अभी दिखा, अभी दिखा। सुन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी माँ राक्षसों के पास गई थी? ऐसा तेरी माँ गई थी ना, इसलिए तू बोल रहा है मेरे को। भोसड़ी के ये तेरी आईब्रोज, तो आईब्रोज दिखा अपना अपना, ऐसा ऐसा अपना, अपने बाल ऊपर करके अपनी आईब्रोज दिखा लोगों को। एक मिनट में कमेंट ऑफ करता हूँ। अब एक मिनट, मैंने कमेंट ऑफ कर दिए, ये बहन की लोरी कमेंट ऑफ क्यों नहीं हो रही है? टर्न ऑफ कमेंट कर दे, कर दे। दिया ऑन, एक मिनट रुक जाओ। हाँ अभी दिखा अच्छे से। क्या दिखा बोल तेरे को, क्या देख? अरे अपनी आईब्रोज दिखा, अपनी आईब्रोज दिखा साले। अच्छी है देख, तेरे से तो अच्छी है, तेरे कैसी होगी देख।
ताले तुझे शर्म आनी चाहिए, 2022 में तू इतनी राक्षस जितनी बड़ी बड़ी आईब्रोज लेके घूमता है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे को नहीं आती क्या? एक केक फेस में पहन के घूमता है रोड पे, एक केक जगह बैठता है, कई बार निकल कभी दुबई में, बुबई में रहता है, बाहर निकल एक ने जगह पे कहाँ पड़ा रहता है? दुबई कहाँ पे रहता हूँ मैं, कहाँ रहता है मेरे को क्या मालूम कहाँ होगा। तो तू लाइफ पे कैसे आ गया, तुझे कुछ पता नहीं है तो? बस ऐसे ही घूमते घूमते आ गए अपनी बहन चुदवाने। तो तेरी बहन को मैं चोदूंगा ना, जरा आपको टेंशन क्यों लेता है? अपना घर दिखा दो जरा, ओ गरीब अपना घर दिखा दो जरा। अरे लोड़े तेरे से अच्छा है घर मेरा। अरे घर कैमरा फ्लिप करके अपना घर दिखा दो, ऊपर वो बक्से बक्से तूने रखे हुए, चोरी का सामान है ना सब, बता कहाँ चोरी करने जाता है? अरे लोड़े चोरी नहीं किया है मैंने, मैं चोर नहीं हूँ, तू है चोर इसलिए। भाई मैं सुन, तू चोर है वो मैं साबित कर दूंगा, तो क्या करेगा बता? कपड़े खोल देगा अपना? हाँ खोल दूंगा, चल बता साबित कर। चल एक काम कर अभी है ना, अपना कैमरा घुमा और अपना घर दिखा, मैं तुझे दिखाता हूँ तूने चोरी का सामान कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है, मैं लाइव पे दिखाऊंगा। कैमरा फ्लिप करके अपना घर दिखा। अभी नहीं दिखा सकता हूँ ना, घर पे सब चोर है, वरना दिखा देता लोड़े तेरे को। साले हरामी पहले अपना घर तो दिखा, उसके बाद तो मैं तुझे दिखाऊंगा तूने चोरी का सामान कहाँ कहाँ पे लगा रखा है वो। साले चोर चोर आए, ओसरी के दिन में चोरी करता है, रात को पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, बहन के लोड़े राक्षस। अपना कैमरा फ्लिप करके दिखा, घर दिखा अपना। साले दिखाता बोले चोर है सब, वरना दिखा देता तेरे को, आप पूरा घर दिखा देता। अरे नहीं नहीं वो अभी मैंने कुछ बक्से देखे ऊपर तूने रखे हुए, वो बक्से दिखा। अबे सामान पड़ा रहता है सब घर का, ऐसे कुछ नहीं रहता है देख। सुन वो हरे कलर का नीचे उतार, वो हरे कलर का ऊपर से नीचे उतार, उसमें से निकलेगा चोरी का सामान, वो हरे कलर का नीचे उतार। अबे लोड़े रख फोन दे सब। अरे भोसड़ी के मुझे पता है तू चोर है, तू वो हरे कलर का नीचे उतार, दिखा अपने व्यूअर्स को, उसमें से पक्का चोरी का सामान निकलेगा। तू बड़ा चोर, उतारो बड़वे वो नीचे उतार वो हरे कलर का। चल नहीं नहीं मुझे सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, वो हरे कलर का नीचे उतार साले चोर कुत्ते। अभी लो रहे सब सो रहे, उसमें से साले सब लोगों के बटवे, उसमें से सब लोगों के बटवे निकलेंगे मुझे पता है। वो हरे कलर का तूने जो ऊपर रखा वो नीचे उतार। उतार के क्या करेगा तू बोल? अरे नीचे तो उतार, तब जाके तो पता चलेगा तू साले दो कौड़ी का चोर है। लोड़े तेरे से अच्छा, वो देख भोसड़ी के तेरा मुंह देख एक बार कैसा है, लंड जैसा पकड़ है, भोसड़ी के निकल गया रोड पे मांजर चोर, तेरा शक्ल देख एक बार तू थे। अच्छा भाई तुझे वो नीचे उतारना है या मैं तुझे लात मार के निकालू यहाँ से? तू चोर है भोसड़ी के। अबे लोड़े तू मेरे को क्या लात मारेगा भोसड़ी के, मैं ही निकल जाता हूँ, रख तेरी माँ की चूत, तेरी माँ का भोसड़ा रख लोड़े। बेंचो चोर लोग भी आते हैं, सोचो बेंचो थैंक्स मैन हाउ गुड डे, सोचो चोर लोग भी आते हैं बहन के लोड़े। पक्का उसने वो हरे कलर की पता नहीं बहन के लोड़े ने डिब्बे में सारा चोर का माल उसने छिपा के रखा हुआ था, चोर था वो, चोर मैंने देखा है चोर। व्हाट्स अप ब्रो, पीना कलाड़ा स्ट्रॉबेरी बनाना सावर एप्पल है ना ब्लू राजा। सुबह सुबह में सब लोगों ने एक चोर देखा, राक्षसी चोर था वो। नीचे लिखो भाई लात मारूंगा, लात खाऊंगा लिखो, लात खाऊंगा लिखो, उसको लूंगा मैं लाइवते और मारूंगा मैं लाते। क्यों अब कोई नहीं लिख रहा है लात खाऊंगा?
ये विक्की आ जा भाई, ये खुशी विक्की नाम के बंदे ने लिखा है लात खाऊंगा, आ जा। आई डोंट थिंक करौली भाई करा। और भाई कहाँ से है? मैं भाई राजस्थान से। अच्छा 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 अच्छा, क्या करता है वहाँ पे भाई? अपना खुद का बिजनेस है। किस चीज का? टायर। टायर मतलब वो सेकंड हैंड टायर तू ले बेच करता है? नहीं नहीं नहीं, अपना जो सीएट के हमारे पे जो न्यू टायर आते हैं, खुद का एजेंसी है। अच्छा, तेरी खुद की एजेंसी है जी? एक मिनट रुक जा। इतनी गर्मी है आज। थैंक्स। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि तेरी खुद की टायर की एजेंसी है और तू बहुत ही पैसों वाला है, तेरे घर के अंदर नौकर चाकर तेरे आसपास खड़े रहते हैं, तेरे पास 3-4 BMWs है, एना तू हर रोज एक लॉन्डी को पकड़ के तू उसको चोदता है, तेरी जेब में पैसे ठोक के, तू ये कहना चाहता है? नहीं नहीं, इतने बड़े आदमी तो नहीं है, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। अच्छा, किसी से कम भी नहीं है तू? शादी हो गई तेरी? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या भाई तुझे तेरी हॉबीज वगैरह क्या है? हॉबीज कुछ भी नहीं है, बस बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं। अच्छा बिजनेस कर, अच्छा बिजनेस करता है और पैसा कमाता है, तो कितना कमा लेता है भाई महीने का तू? महीने का 5-7 लाख रुपए। 5-7 लाख रुपया महीने का कमा लेता है? अपना जरा घर दिखा, फिर पता चलेगा तू कितना कमाता है वो। क्या क्या दिखाना तू? क्या ये तो भोसड़ी के एक ही कमरा मुझे देख रहा है, एक ही कमरे में तूने फ्रिज भी रखा हुआ है, सारी चीजें तूने एक ही कमरे के अंदर रखी हुई है। भाई दो कमरे हैं, मैं अकेला रहता हूँ पूरे मकान में, और तुमको क्या क्या दिखाऊं भाई? 5-6-7 लाख रुपया जो बंदा महीने का कमाता है, उसका घर 2 कौड़ी का ऐसा होता है, 2 रूम का कमरा होता है वो। जो वॉशिंग मशीन, अबे पगले मैं अकेला रहता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये लड़का है जो बेचारा मेरा साथ रहता है। अरे साले, तेरी टायर की एजेंसी नहीं है? वो टायर की एजेंसी में तू वहाँ पे टायर फिट करने का काम करता है, जो गाड़ी आती है ना वहाँ पे, तेरा मालिक तुझे कहता होगा कि वो भोसड़ी के वहाँ पे टायर चेंज कर दे। पगले गूगल पर डाल ले, मेरा नंबर ही ऐसा नंबर है मेरे, इतनी बड़ी बात नहीं करता चूतिये में। अरे मेरा नाम तू डाल दे गूगल के ऊपर, हजारों स्टोर के मालिक दिखा है लोगों ने मुझे। अरे पागल, गूगल पे डालने से क्या होता है? तेरा कोई राजस्थान में जानकार हो ऑल ओवर राजस्थान में? अरे अरे मुझे किसी की जानकारी नहीं चाहिए भाई। देख, 2 कौड़ी का तेरा घर देख के मैंने समझ गया वो तेरा दोस्त है। अरे तुम दोनों जयपुर से आए हो यहाँ पे मजदूरी करने के लिए, ये तुम लोगों ने किराए पे घर लिया हुआ है, तू तेरे मालिक के उधर टायर चेंज करने की नौकरी करता है, अब अपनी औकात पे आ जा। कितना कमाता है महीने का तेरे मालिक तुझे? कितना? अरे चूतिए गूगल पे डाल और कॉल कर, अभी जस्ट कॉल मैं अटेंड करूंगा। हेलो, समझ गया? ऑर्गेनिक होल में कैसे? अच्छा, कितने भेजने रहते हैं तेरे बूढ़े माँ बाप को हर महीने पैसे? क्या कह रहा है? तेरे बूढ़े माँ बाप को, तेरे बूढ़े माँ बाप को तुझे कितने पैसे गांव पे भेजने रहते हैं? मेरे मेरे माँ को पैसे भेजने की जरूरत नहीं, उनको खुद का बिजनेस अलग है, उनको जरूरत नहीं है पैसे भेजने की। साले तू कितना बड़ा हवाबाज है, इतनी साले 2 कौड़ी के घर में तू रहता है, 2 रूम का तेरा कमरा है, अरे यहाँ पे ये 300 लोगों का चूतिया काटेगा। मेरी मेरी बात सुन, तू 2 कौड़ी का तू है जो तू ये लोगों को बेच रहा है, समझ गया? मेरी ओर ना कर, तेरा कोई राजस्थान में तेरा कोई चमचा हो
उसको पूछ लिए मेरे बारे में। अरे तू खुद तेरे मालिक का एक चमचा है, बता तेरा मालिक ने तुझे हर रोज चाटे मारता है ना? अरे चूतिए तेरा बाप है, समझ गया? चाले कुत्ते, चाले कुत्ते तेरा दोस्त वहाँ पे दो कौड़ी की पूजा की रूपा के अंडर वियर पहन के पड़ा हुआ है। तू नौकरी, मेरी बात सुन, तू नौकरी करता है ये बेच रहा है, इसके बिस्किट बेच रहा है। 5 लाख कमाता है ना, 5-6 लाख कम, अपनी जेब में दिखा कितने पैसे दिखा, मैं मान जाऊं पागल में। अरे दुनिया कैशलेस जमाना हो गया, पगला हो गया है क्या? अरे कौन सा कैशलेस, अरे कैशलेस नहीं, भोसरी के तू लेस बंदा है, लेस तेरे पास कुछ नहीं है, ना तो तेरे पास कैश है ना तो तेरे पास लेस है, तेरे पास कुछ नहीं है जिंदगी में। तुझे सुन, तुझे तू तुझे कब से ऐसे ड्रीम आ रहे है कि तू टायर कंपनी का बहुत बड़ा वो फ्रेंचाइजी का तू ओनर है, ऐसे तुझे ये हवाबाजी वाले सपने कितने सालों से आ रहे है? अरे वेंचर में आवाज़ नहीं करता अबे चूती है, गूगल पे डाल ले। अरे गूगल पे डालने से क्या होता है, यहाँ पे लोगों को दिखाना, तेरी जेब में माल दिखा कितना पड़ा है, घर तो तूने तेरा 2 कौड़ी का दिखा दिया। इस परवड़ी को देख, चूती है को, लोडू को, हमको आवाज चल, चल, देख, तू, चल मैं तो देख, मैं तो भाई मैं तो नौकरी चूतता हूँ यहाँ पे 2 कौड़ी की, फिर भी देख मेरी जेब में अभी वेंचर कितने 15-15 लाख पड़े हुए, देख लेंगे देख लेंगे, ऐसे पैसे दिखाना तब भी तो लोग मारेंगे भोसड़ी के। अरे अरे पगले, मेरा सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है रे चुतिया, मैं खुद होलसेल व्यापारी हूँ। अरे तू होलसेल व्यापारी नहीं है, समझा? होलसेल में तो अपनी गोंड मरवाता है अपने मालिक से हर रोज, गंड मिलवाता है, तो यही आता है, तुझे केवल यही बकचोदी आती है लाइफ पर, तुझे कुछ नहीं आता है, तो जज बन के बैठता है। सुन मेरी बात सुन, अरे पहले मेरी सुन, तू लाइव का इस टाइम लाइव पे बैठा तो कुछ भी कर सकता है, तुझे दुनिया को चूतिया बनाना था, जज बन के तू यहाँ बैठता है, तेरे बस की तो कुछ है नहीं के मैं चूतिया बना रहा हूँ यहाँ पे 300 लोगों को। मेरी बात सुन अरे मेरी बात सुन, तू इस अगर इंस्टाग्राम का किंग बन के बैठा है तो तू राजस्थान के अंदर तू मेरा बाल भी वहाँ का करवा के दिखा, या फिर तू मुझसे किसी को बढ़ा के दिखा, या फिर तू मेरे सामने। अरे तू चूत, तू कह रहा है ना, तू इतना बड़ा आवाज कर रहा है, तो एक किसी को मेरे सामने बैठा के तो देख, चूतिया तेरा कोई चमचा है ऑल ओवर राजस्थान में, है कोई तेरा चमचा? अरे हम और सर मेरी बात सुन, अरे तू तेरे किसी चमचे को एक बार ले तो सही, लाइन पे राजस्थान का तेरा चमचा बैठा है तो ले तो सही एक बार, उसको बताएगा मैं कौन हूँ मैं तुझे। अरे भैया चूतिया फिर वो ये आवाज कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ तू आउट ऑफ कंट्री, तू चूतिया दुनिया को बना रहा है, तो बस तू तेरे किसी चमचे को ले इंडिया में, कोई तेरा चमचा हो राजस्थान के अंदर, है कोई तेरा चमचा? सुन मेरी बात सुन, तूने बोल लिया, अब मैं बोलू? मैं बोल भाई देख, मुझे किसी को तेरे घर पे भेजने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई जानने की जरूरत नहीं है तू कौन है क्या नहीं है। अब भी यहाँ पे 300 लोग बैठे हुए है ना, सब लोग समझ गए कि तेरी औकात 2 कौड़ी की है, तू एक मजदूर आदमी है। यहाँ लोग जो बैठे उनकी खुद की औकात नहीं है, अरे खुद की औकात नहीं भाई देख, अब देख नीचे कमेंट पढ़, तू साले एक मजदूर है, एक टायर चेंज करने वाला, जो दोपहर में सुन, अरे चूतिए देख, सुन मेरी बात, यहाँ लोग नीचे एक मिनट, वो पीछे वाले से बात करवा, वो पीछे वाले से बात करवा, ये देख ये साला गरीब मजदूर की शकल का ये तेरा पार्टनर है। अरे भोसड़ी, ए तेरी माँ की चूत, ब्रांड देखा ये ब्रांड, अरे ब्रांड देखा कौन सा ब्रांड है, ब्रांड देखा, अरे भोसड़ी के ब्रांड देखा है, गांठ पा रहा है, पकड़ा गया ना साले मजदूर। अरे 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 ब्रांड देखा, अरे ब्रांड देखा, ब्रांड साले ब्रांड, तेरे होठ, अरे साले कुत्ते तेरे होठ देखे तूने कितने, वो येलो टी शर्ट वाले को देखा, अरे ब्रांड, अरे वो पीछे गंडू, वो पीछे वाले से, अरे वो मजदूर से बात कर रहा, वो जिसको टीबी हो रखा है उसके, वो टीबी पेशेंट, ओ टीबी पेशेंट, हाँ बोल भाई, साले पुराने जमाने के अजय देवगन के। सुन तेरी तरह हम गाली देना, तो मैं कहाँ गाली दे रहा हूँ, मैंने तो उसको पुराने जमाने का अजय देवगन ही बोला ना। अरे मेरी बात सुन, यहाँ नीचे लोग कमेंट कर रहे कि मैं राजस्थान से, किसी को राजस्थान के को ऐड कर भोसड़ी के, अरे किसी को ऐड कर, मुझे किसी को ऐड नहीं करना, भोसड़ी का खुद ही खुद गाया जा रहा है माधव चौत, किसी को ऐड कर लेता है, किसी को भगा देता है माधव चौत, किसी तेरे बाप को, वो मजदूर से बात करनी है, मजदूर से बात करवा, अरे तेरी माँ के जो बाप से, इस बाप से नहीं पढ़ रही तेरी, अब गाली तो तू दे रहा है, भोसड़ी के तू सुन, तू हंस सकता है, तू बस हंस के, सुन सुन सुन, ये सब लोग जान ले कि तू बहुत तगड़ा चूतिया है,
और तुम सुन मेरी बात, तू मुझसे हार गया है तो इस बात को कबूल कर, तू मुझसे हार रे भगेगा दे। अब तू मेरे को भगाने की कोशिश कर रहा है कोई ना कोई बहाना लेके, तेरा कोई बात। अरे बहन जो चूती, अरे गंडू मेरी बात सुन रे गंडू, देख फरसरा दे माधव। अरे वो फूल और कांटे के अजय देवगन से बात करा, मुझे बात करनी है उससे। अरे तेरी बहन को चुदूस, तेरे बाप से बात कर, देख फरसरा दे फरसरा। वो अजय देवगन के नीचे, अरे तेरी माँ की जो, अरे तेरी माँ की, अरे भोसड़ी का, मैंने उसी किसी का लड़का खोया, नेपाल में पाया, वहां पाया, तेरी बाँ की चू, तेरा कोई चमचा है राजस्थान में भोसड़ी के? अरे पहले वो गरीब से गंडू बोलता है, गंडू तू बोल ले, अरे गंडू तू ये जो डालता है इंस्टाग्राम पे, मैंने उस लड़के को वहां से वो मिल गया, ये मिल गया, मैंने उसकी बहुत हेल्प की। तेरा कोई जीजा बैठा है राजस्थान में भोसड़ी, किसी को ऐड कर तेरे जीजे को, हम बताते हम कौन है तेरी माँ की चू, ऐड तो कर। तू इतना कलब क्यों रहा है? लेकिन मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। कलब तू रहा है भोसड़ी के? अरे तू मैं अपनी तो, ये दिखा रहा तो कि तू पैसे वाला मैं है, तो तू कुछ बोल ही नहीं, भाई मैं तो कुछ बोल ही सुन नहीं रहा तेरी माँ की चू, मेरी बात सुन, तेरी माँ की चू। हाँ सुन, जैसे तो भोसड़ी के सुबह शाम सिगरेट जला कर देते हैं मेरे को, वो तो मैं तो वो समझ गया मैं कि तू किसकी सिगरेट जलाता है, लेकिन वो मजदूर से तो बात करवा, तेरी गांड क्यों फटती है? तेरी बहन की क्यों, तेरी इस बाप से औकात नहीं है बात करने की? इसे गांड नहीं भैया, मैं तुमसे डर गया, जरा अजय देवगन से बात करा दो। अरे भोसड़ी का तेरी तेरी औकात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं डर गया तेरे से, तू जीता मैं हारा, लेकिन उससे बात तो करा। उससे तेरी बहन को चुदवाएगा ये बता, मुझ पे ही चुदवा ले, देख भोसड़ी का है ना पागल, सब लोग जानते हैं तू, तेरी बहन को जो चश्मे लगा के आता है, फिर यह बत्स और वो फलान ढकान भोसड़ी के, हमसे पंगा ले तेरी माँ की चू, दुनिया का न्याय करता है। और कलब बहुत मजा आ रहा है। और कहाँ गया मेरा अजय देवगन फूल और कांटे का? तेरा जीजा दे ये सोरा, उससे बात तो करवा। और भाई क्या नाम है तेरा? और क्या नाम है तेरा? मेरा नाम विष्णु है भाई, फिर से एक बार बता क्या नाम है तेरा? विष्णु है, विष्णु। अच्छा अच्छा, और ये तुम दोनों साथ में रहते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई तू प्रॉपर किस गांव का है? मैं प्रॉपर राजस्थान भरतपुर। अच्छा भरतपुर से, और ये तेरा दोस्त कहाँ से? ये तेरा दोस्त भरतपुर है भाई, ये मेरा। अच्छा अभी आप कौन सी सिटी में रह रहे हो? भरतपुर। अच्छा भरतपुर जो, भरतपुर में ही रह रहे हो, तो तेरे माँ बाप नहीं है भरतपुर में? क्यों नहीं है, मैं अनाथ थोड़ी हूँ तेरे यहाँ। मैं अनाथ थोड़ी हूँ, भोसड़ी के नाक में से आवाज आ रही है तेरी, अजय देवगन नाक में से बोल रहा है तेरी तो गाने में से आवाज आ रही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुनो ओ सुनो गरीबों के अजय देवगन, बोल तुम दोनों वहाँ कहाँ पे मजदूरी करते हो? फोन क्यों ले लिया तूने अब? बोलो तुम दोनों वहाँ कहाँ पे मजदूरी करते हो भाई? हम घंटा मजदूरी नहीं करते, हम फ्लैट में पड़े रहते हैं 24 घंटे। क्या हम घंटा भी मजदूरी नहीं करते हैं? देख तेरे बाप की दो दो गाड़ी दिखाऊं, देखो थार और सफारी, तेरे बाप की भोसड़ी के, वो तेरे कस्टमर की तू टायर चेंज करने के लिए लाया होगा रात को, सुबह में तुझे इमरजेंसी में डिलीवरी देनी होगी तेरे कस्टमरों को, वरना तेरा तेरा मालिक तुझे पट्टों से मारता। अबे देख, अबे भोसड़ी का देख तेरी, साले दो कौड़ी का एरिया है, वहाँ पे कितना गार्बेज पड़ा हुआ है, कितनी गंदी जगह है, ये देख तेरी औकात है। सामने हाईवे है भोसड़ी के, ये देख फैक्ट्री है तेरी, कतई कतई घटिया, कतई लानत है, लानत है, लानत है, साले इतने दो कौड़ी के एरिया में रहता है, अब मजदूर लोग तो यहीं पे ही पड़े रह गए ना। साले तू कहीं जीआईटीसी में तो नहीं रहता है? क्या कह रहा तू? कहीं जीआईडीसी एरिया में तो नहीं रहता है, जहाँ पे फैक्ट्री बैक्टरी होती है, वहाँ दो कौड़ी के एरिया में तो नहीं रहता है ना? सर्वे चूतिया है साले, ना तो तेरी टायर एजेंसी है, तुम दोनों भोसड़ी वालों फैक्ट्री के मजदूर ब्रांड यहाँ पे, तुम ब्रांड देख, ये ब्रांड देख, ये ब्रांड दिख रहा है, ब्रांड देख, अरे कहाँ पे रांड दिख रही है मुझे? अरे ब्रांड देख, अरे कौन सी रांड दिखा रहा है तू, कौन सी ब्रांड? ये ब्रांड दिख रहा तुझे? अरे कौन सा, कुछ लौड़ा भी नहीं दिख रहा है भोसड़ी के, तू पहनेगा तो पता चलेगा कौन सा। अरे कौन सी ब्रांड है ये, तो कभी देखी नहीं ब्रांड, अपना कपड़ा उतार के तो दिखा अच्छे। अरे टी शर्ट उतार के दिखा गंडवे, टी शर्ट उतार के दिखा तो पता चल, अरे टी शर्ट उतार के दिखा, देख तेरी गंदी चीज, देख रहा
अरे मुझे भाई तेरी ब्रांड ब्रांड नहीं देखनी है भोसड़ी के, तू गरीब है, तूने खुद अपना एरिया दिखाया दो कौड़ी का। तुम्हारे अरे सन भोसड़ी के तेरे बाप तेरी तरह किराए से नहीं रहता है तेरी माफी चू। अच्छा 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 वो अजय देवगन को जरा दे फोन। अरे वो अजय देवगन से बात करने दे, तू बार बार क्यों छीन लेता है उससे फोन। बोल अजय देवगन। सुनो साले साले गरीबों के हाथी मत आई। और कितने पैसे बेचता है? अरे उसके साइड करना कैमेरा। अरे तेरी बहन की। हाँ बोल। कितना पैसा तेरे बाप को बेचता है हर महीने? मैं तो बहन के लिए, मैं तो 24 घंटे कमाता हूँ। जितनी बहन के लिए दुनिया कमाती है ना उतनी दोगुना कमाता हूँ मैं तो, मेरी बात छोड़ दू। अरे माँ बाप को कितना, तेरे बूढ़े बाप को कितना बेचता है वो बता, ज्यादा हवाबाजी मत पेन। तेरी माँ की जो तो हमारे माँ बूढ़े हैं क्या? हमारा माँ बूढ़े हैं क्या? भोसड़ी की हमारी उम्र देख रहा है? अरे चल भोसड़ी के, तेरा तेरा डैडी तेरे उसको दे, तू मेरी बात से भाई, तेरा बाप जवान, तेरा बाप जवान, तू उसको फोन दे, मेरी बात से भोसड़ी को। अरे सर तू क्यों मजाक खराब कर रहा है, उसको फोन दे क्यों? अरे तेरे पे मेरी माँ चौधरी है भोसड़ी, भोसड़ी। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुझसे हार गया, तू उसको फोन दे। तेरा कोई बाप है राजस्थान का इंस्टाग्राम पे, उसको लाइन पे ले भोसड़ी की हमारी औकात हम बताते हैं। उससे तुझे बात करवानी है नहीं करवानी है मैं तुझे बता। पास बहाना आ रहा है, तेरे पास बहाना आ रहा है कि मैं तुझे भगा दूंगा, चल तेरी बहन। दो कौड़ी का 50 रुपये का मजदूर बहन चो, वो अजय देवगन की गांड माननी थी मुझे, ये बहन का लले बीच बीच में आ जाता है। इसकी माँ की चूत, इसकी कब से एक ही बात कर रहा है, कब से गोल गोल घुमा के एक ही बात कर रहा है साले कुत्ते। तू जहाँ पे रह रहा था ना, जहाँ तू कचरे में पड़ा हुआ था, वहीं से ही तेरी औकात पता चल गई लोगों को कि तू कौन है वो। चलो भाई नीचे लिखो, लात खाऊंगा, लिखो नीचे, लव यू बिच्चू, लिखो नीचे लिखो। ये है वी त्रिवेदी, आ जा भाई। What's up man? और कहाँ से है रे? कनाडा। हाँ? कनाडा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है भाई तेरा? ये बहन चोद कहाँ चलता है? उससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ। ओ बहन चोद। उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ भाई। बताओ। Big fan. Like I'm following you from last 3-4 months. आप रोस्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सच में भाई बहुत मजा आता है आपको देखने में। आई डोंट हैव निक मेन्यू टुडे ब्रो, आई हैव अ लंड मेन्यू। यू वांट लंड मेन्यू? हाँ भाई बोल बोल, मैं सुन रहा हूँ। हाँ बस ये आपकी तारीफ में दो तीन डायमंड ब्रो, जस्ट अ सावर एप्पल लेफ्ट की मैंने, अब आप रोस्ट कर सकते हो मुझे। अच्छा अब तूने तो भाई सिलेंडर कर दिया, क्या रोस्ट करूं बता मैं। सिलेंडर तो ठीक है, लेकिन ऐसा वेदर है ना भाई, आपने देखा नहीं होगा, कुछ अलग ही वेदर है आज। वाओ। अच्छा कितने साल से रह रहे हैं कनाडा में? 4.5 साल से। अच्छा 4.5 साल से तू कनाडा में रह रहा है और तू मुझे बोलेगा कि बहुत ही जबरदस्त वेदर है? पर अमेरिका का यहाँ से यार, यहाँ पे ना वेदर का एक्चुअली प्रॉब्लम रहता है पनौड़ी भाई, यहाँ पे बर्फ बर्फ। कौन से स्टेट में रहता है तू? एक मिनट वो सारी बातें छोड़, कहाँ पे? प्रोविंस नहीं, यहाँ पे स्टेट नहीं प्रोविंस है, ओंटारियो। अच्छा स्टूडेंट वीजा पे गया है तू? हाँ स्टूडेंट वीजा पे आया था, लेकिन बाद में थोड़ी मेहनत मजदूरी की, पढ़ाई लिखाई की और अच्छी जॉब बाद लेके देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तेरे बाप ने कितनी लोन ली थी बैंक में से तुझे यहाँ पे भेजने के लिए? मेरे बाप ने ली होती तो भरता, लेकिन नहीं ली। क्या हुआ? नहीं ले, लोन ही नहीं लेनी पड़ी। लोन नहीं ली, लोन नहीं ली थी, पढ़े थे पैसे, पापा ने बोला जाओ बेटा पढ़ो। या फिर तेरी माँ गई थी लाला के पास अपने कंगन रखने के लिए, सच बता। गई होगी तो बताया नहीं मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, बताएगी गई होती तो बताती नहीं ना मेरे को। राइट, पर तू भी ऑनेस्ट बहुत खुश हूँ मैं, लिटरली आज आपसे बात हुई मेरी, और आप पता नहीं होगी भी नहीं होगी, लेकिन आई रियली सो हैप्पी मैन टुडे। अच्छा अच्छा अच्छा,
चलो भाई बाय। ये बोरिंग था बंदा भाई, बोरिंग मत करो ठीक है। ये है तूफानी हाशमी, ओ बहन चो नाम तो देखा उसको, तूफानी हाशमी आ जा भाई। तूफानी हाशमी, तूफानी हाशमी आ जा भाई। कितना गरीब है तू यार, सही में गरीब आदमी, बहुत गरीब है यार मैं, सही में गरीब आदमी भाई, आज तो बहुत मजा आएगा। और गरीब कहाँ से है तू भाई? मैं इधर महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई। अच्छा अच्छा, मुंबई धारावी, धारावी झोपड़पट्टी, धारावी झोपड़पट्टी से पूरा बोले तो एकदम एशिया का, बोले तो पूरा एशिया का सबसे बड़ा भाई। तू जबरदस्त जगह से आया है भाई, अपना कैमरा भाई, अपना भाई, अपना लुंगी भाई, लुंगी देखना मेरा बड़ी लुक लाइक दैट, यू सी दैट? अरे अच्छे से दिखा, अरे है ना, दिखा रहा हूँ देखना, देख चड्डी बनियान, ये पलंग देख पलंग, ओह माय गॉड, ये बाथरूम है, इस वॉशरूम, ये वॉशरूम इस, ओ माय गॉड, कितना गरीब है तू, ही सो पुअर ब्रो, टू मच ला, पैसे देता है क्या पैसे? तो भाई क्या नंबर में क्या घर दिला देना। तो तू काम क्या करता है? कचरा कचरा उठाता है तू? नहीं भाई, कचरा नहीं, इडली बेचता है, इडली। अच्छा इडली बेचता है, तो कितना कमा लेता है महीने का? महीने का, महीने का हो जाता है अपने 900 रुपया रोज कमाता है। मैं एक मिनट भाई, तुझसे बहुत बात करूंगा मैं, चलेगा ना मेरा भाई? अपन फुल इंतजार में भाई, तेरे से बहुत दिन से अपन इतना रिक्वेस्ट भेजता था कि अपने को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, पर करता था है तू? ओ तो तू मेरे अपन एकदम पहने थे, एकदम जबरा पहने भाई तेरा पर, एकदम एक नंबर वाला। अपन तेरा दीपक कलाल, दीपक भाई से तो बात करने का इतना मन करता है लेकिन कभी आईडी नहीं करता है वो। अच्छा अच्छा, रोज तो करने का क्या, ये भाई रोज तो कर ले। ओ भाई तू तो, एक मिनट, हाँ भाई बोल ले मेरा भाई। तो तेरी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं ना भाई, कौन लड़की देगा अपने को? 100-500 में जाने का उधर। कहाँ पे? ग्रैंड रोड पर, ग्रैंड रोड। वो क्या है? चकला। अच्छा तो रंडियों को चोदने जाता है 500 रुपये में? मजेदार बंदा है आज लाइफ पे। तो महीने में कितनी बार जाता है तू? 6-7 ज्यादा नहीं, कम जाता क्या? या क्या? तो 5-7 बार तू जाता है महीने में वहाँ ग्रांड रोड पे? अच्छा। तो वहाँ पे लड़कियाँ कैसी होती है? जा रहे हमारे व्यूअर्स को बताओ, अगर किसी को जाना हो तो। एक नंबर, एकदम बच्चानी, बोले तो फुल लोडेड, या लिपस्टिक, लाली, मस्कारा, ढमकारा में एक नंबर, रास्तिक दिखती एकदम, बोले तो पटाखा भाई, तू भी देखेगा तो बोलेगा भाई 2000 2000 भाई। भाई तेरी लैंग्वेज बहुत ही जबरदस्त है यार। भाई इधर मुंबई में सब ऐसी बोलते हैं, चापोरी लोग जो अपने सला मेरिए के रहते ना, झुग्गी वाले, झोपड़ी पट्टी, इधर हमारे इधर ऐसी रात्रिक भाषा बोलते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम ठेला कहाँ पे लगा भाई? अपने को भाई, ए भाई अपने को फॉलो कर लेना भाई एक बार यार, मजा आ जाएगा, सब दोस्तों में वसा हो जाएगी अपनी। ए भाई फॉलो कर लेना। बहुत ही मजेदार इंसान आया आज। तो तुम ठेला भाई फॉलो कर ले यार, थैंक्स। तो तुम ठेला कहाँ पे लगाते हो? रोड पर लगाता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो
स्टेशन के बगल में अच्छा, तो तुम ये सब हाँ इतने बोले तो ये अपने को ना इसलिए ना अपने को एक कंपनी है इधर से वो सब माल बना के देता है तैयार करके, अपने को सुबह जाने का इधर से माल लेने का और बेचने निकल जाने का। एक इडली पर अपने को 4 इडली पर अपने को 7 रुपया बचता है, बाकी एक इडली पे 7 रुपीज सब बच्चा, नहीं 4 इडली पर। चार इडली पे 7 7 रुपीज। हाँ अच्छा, 1000 इडली, 1000 इडली 1200 इडली बेच डालता है मैं। अभी इधर से है ना, अभी घर पे से तो हमको 2 घंटा जाना पड़ता है ट्रेन से, लोकल ट्रेन में माल लेके ऐसा कंधे पे। ऐसी ये एक टी शर्ट है, ये एक नाइट पैंट है, ये शूटर है, ये एक नाइट पैंट है, इधर एक इधर ड्रेस है, यही धोने का यही पहनने का, ये लुंगी पे सोने का और यही एक पहने रहने का बस। ये जो पहने ले नाइट पैंट अभी बस और तुम्हारे मम्मी पापा? मम्मी पापा नहीं है, छोटा था ना जब भी मुंबई भाग के आया था। तो तुम कब तब हाँ से इधर ही रह रहे हो? जब से इधर ही से मैं अपने 11 साल से, 11 साल का था जब मैं इधर आया था। तो तुम कभी स्कूल मत गए हो? लेकिन आता है सब बोलना मेरे को इंग्लिश में, थैंक यू वेरी मच ये सब आता है बोलना, एकदम सब बोलता है इंग्लिश में, सबको सुनता है ना बात तो अपने को आता है। भाई फॉलो करो ना भाई मेरे को। क्या तुम इतने हो? हाँ बोलो ना भाई मैं बोलो। तेरा आईडी देख लेता हूँ, मैं तुझे डीएम करूंगा, बट मैं ये लाइव राइट नाउ मैं तुझे फॉलो नहीं कर सकता हूँ लाइव में। 1 मिनट में तेरा आईडी देख लेता हूँ। हाँ देखो ना भाई। तौसीफ आसमिन 69 नाम है तेरा, तो मैं तुझे हाँ फॉलो कर लूंगा पक्का। करने का भाई है मेरे को, दीपक भाई से ही बात करने का है। एक भाई से बस, अपने को कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं चलते इधर, अपन ने बहुत सेलिब्रिटी देखा है, शाहरुख को, सलमान को, शूटिंग पे धारावाहिक में पिक्चर उतारने आते हैं इधर झोपड़ में हमारे। अपन तुम्हारा पहने है, अपन दीपक बहू का पहने है, वो तुम उसकी गान मारता था ना वो गुलगांव की शेरनी, यहाँ बड़ा मजा आता था भाई। एक नंबर। कहाँ पे भी मेरे फैंस बहुत है। अच्छा, तो मजा आता है भाई। तुम इडली इडली बेचते बेचते मेरी लाइव देखते हो? हाँ भाई जब भी तुम लाइट आते हैं ना तुम्हारा नोटिफिकेशन आता है, चालू करते हैं ब्लूटूथ कान में लगा रहता है, इधर ऐसे मोबाइल रख देते हैं काउंटर पे, ऐसे गोल काउंटर होता है हमारा, हाँ उसको रखते ऐसे इडली देते रहते हैं और सुनते रहते हैं, हंसते रहते हैं। अभी इससे पहले तुम अभी अच्छा, तुमने वो गरीब अजय देवगन जी को गांड मारी ने, इतना हंसा वो, इतना हंसा बाप, कभी इतना हंसा नहीं, बहुत हंसा। तो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है वो बताओ। आज हम दोनों डांस करेंगे, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है वो बताओ। मेरा फेवरेट सॉन्ग हाँ वो थोड़ा ओल्ड है वो, अरे जो भी है। तुमको याद होगा कि नहीं होगा, हाँ इमरान हाशमी की पिक्चर का गाना है कौन सा था वो? वो इमरान हाशमी की पिक्चर में गाना है, सीधा हूँ तुझसे मेरी जान बेपनाह, जन्नत पिक्चर में था। अच्छा, जन्नत मूवी का सॉन्ग है, उसमें तो ये डांस नहीं हो पाएगा, तुम करोगे उसमें डांस? मुझे डांस नहीं आता है, मुझे अच्छा, फाइट बरोबर आता है, मैं इधर पे ना लड़ता बहुत है, इधर इधर देखो ना मेरा चाकू लगा है, अरे चाकू, चाकू मत दिखाना, लाइव बंद हो, लाइव बंद हो जाएगा। अरे लगे चाकू लगा है यार, लगा है इधर अच्छा, पे चाकू लगा है। वाटरमेलन, एप्पल आइस, मिंट, रेड बुल, कीवी स्ट्रॉबेरी। अच्छा, तो ये तुम जीप सॉरी तुम ये ग्रांट रोड पे जाते हो तो तुम कांडम यूज करते हो ना?
फुग्गा ना, फुग्गा। हाँ, फुग्गा। तो वहां पे कैसा रहता है, तुमको रूम में जाना पड़ता है, तुम रास्ते में ही शुरू हो जाते हो? नहीं सर, रूम में होता है। अच्छा, रूम मिलती है वहां पे? हाँ। अच्छा। यार भाई देखो, और महीने का तुमने कितना कमा, कितना बोला आप कितना कमाते हो? वो होता है, कभी नहीं होता है, 900 रुपये पाइडे होता है, कभी 800 होता है, कभी 500, कोई कोई दिन नहीं बिकता है सामान, तो मालिक मालिक चिल्लाता है कि तुमने सामान क्यों नहीं बेचा है, खराब हो जाता है ना वो, तो उसमें वो पैसा भी काट बोलो, लेता बोलो। है। इसको अपना घर दिखाओ। यू नो दैट मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर? दिस गाय इज फ्रॉम दिस एरिया। लुक, अपना कैमरा उल्टा करके दिखाओ। लुक, यो शिट, आई हैव टू वॉच दैट मूवी। लुक, व्हाट, वेयर इज, तुम्हारा बेड दिखाओ। यो शिट, ओ माय गॉड, लुक, आई हैव टू वॉच, लुक, ही स्लीप ओवर देयर एवरी नाइट। लुक, यो शिट, दिस इज हिज काइंड ऑफ हिज हाउस। दैट्स, ओ माय गॉड, आई फील लाइक क्राइंग, यू नो। Yeah, I had to watch that movie in high school. That was one of the movies we watched. Yeah. Yeah. Millionaire. Yep. Holy shit, madam. This guy exactly from the same area, same slum. Holy shit. Yeah. That's cool, but dang. Yep. Thanks. Thanks, madam. क्या बोल रहे madam? अरे उसको मैं ये बोल रहा था, वो movie आई थी ना Slumdog Millionaire. हाँ, तो वो भी बंदा यहीं से ही था ना शायद, यही बस्ती यहीं से थारावी से ही था। इधर ही पे कुछ सारे कुछ और उतरे थे, बाकी उन्होंने बाहर उतारा था वो स्टूडियो बना के। राइट। यार तो तुम ये, आपको ये किराया विराया देना पड़ता है ये, आप जहाँ पे रहते हो उसका? हाँ, कितना? हम लोग दो लोग रहते हैं, एक रात, मैं रात में रहता हूँ, वो रात में काम करता है, फिर वो दिन में आके सोता है। फिर वो दिन में रात में काम पे चले जाता है, तो रात में मैं आके सोता है। कि 2000 देना पड़ता है एक जन को, एक बंदे का 2000 रुपया? 2000 महीने का। अच्छा, तो वो आपका जो दोस्त है वो कहाँ पे काम करता है? वो पाइप की कंपनी में काम करता है, प्लास्टिक के पाइप बनते हैं ना। हाँ, वो कंपनी में काम करता है वो। तो तुम दोनों, तुम लोग, तुम खाना आई एम लाइक गोइंग टू शो बी टू मच इमोशनल, यू नो। आप लोग खाना कहाँ पे, घर पे ही बनाते हो? नहीं, बाहर खाते है। अच्छा, बाहर हर रोज मिल जाता है? यह मिल जाता है, वो हो जाता है, वो सेठ के तरफ से हो जाता है। कभी सुबह का नाश्ता तो इडली डोसा कर लेते। राइट, वही सेठ के इधर जा, सुबह का नाश्ता इडली डोसा हो जाता है। थैंक्स ब्रो। राइट, इडली डोसा नाश्ता हो जाता है, फिर उसके बाद दोपहर का खाना भी कुछ भी खा लेते हैं, चलता है। इतने बड़े हो गए अभी, 30 साल का हो गया हूँ। एंड पिंक लेमन। तो तुमने कभी अपनी मम्मी पापा को कांटेक्ट नहीं किया? नहीं। यार तुम इमोशनल मत हो जाओ, तुम रोस्टिंग करो मेरे साथ, मजा आएगा। यार तू बंदा बहुत ही अच्छा है यार, तुम रोस्टिंग करो यार, तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? अरे यार, मैं ऐसे कभी मिला नहीं हूँ ना ऐसे, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कभी भी मिला नहीं हूँ ऐसे किसी को। एंड मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है, मुझे तेरे जैसे लोग पसंद है जो सच बोलते हैं, जो है वो बोलते हैं। लाइफ पे बहुत सारे लोग आते हैं वो झूठ बोलते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, लेकिन भाई तू एक ऐसा बंदा निकला, तूने सारी बातें सच बोली अपने बारे में। मैं किससे छुपाऊँ, मेरे ना कोई आगे ना पीछे, कोई देखने वाला ना कोई सोसाइटी मेरे को ऊपर नीचे करने वाली। लोग स्टेटस के लिए छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, मेरा कोई स्टेटस नहीं है तो मैं क्यों छुपाऊँ? लोग अपना स्टेटस के, लोग अपने स्टेटस के लिए बोलते हैं कि फलाना फलाना ढमकाना, मेरे पास ये है वो है, उनको दिखाना रहता है कि
घर में कुछ नहीं है लेकिन बाहर दिखाना रहता है कि। अच्छा तुम्हारे पास वो इंडिया में पेटीएम होता है वो है तुम्हारे पास? हाँ है। नहीं मुझे भाई हेल्प नहीं चाहिए। नहीं तुम्हारा फॉलोइंग चाहिए बस। बहन चो क्या खुददार इंसान है भाई। देखो भाई तूने तो भाई तुम्हारा बस भाई तूने तो क्या दिल जीत लिया, तूने तो दिल जीत लिया सही में। तुमने वो तुमने बोल दिए मेरे को आंसू आ गया। देखो मेरे को मैं कमाता हूँ, मैं मेहनत वाला हूँ, मैं मेहनती लड़का हूँ, मैं बचपन से अपने आप को संभाला हूँ, कहाँ कहाँ सोया हूँ रेल की पटरी पे इधर उधर कहीं भी, लेकिन मैं पैसा मांग के नहीं खाता, भीख नहीं मांगता, मैं कमाना जानता हूँ यार। अरे भाई यार तुम इमोशन दो, तुम रोस्टिंग करो, मैं बैठता हूँ नीचे यार। यार बहुत ही भाई ये लाइव शायद मेरी जिंदगी की दूसरी या तीसरी ऐसी लाइव हुई है मेरी जहाँ पे यू नो ऐसे लोग आते हैं कभी कभी जो रुला देते हैं, राइट। एंड भाई सैल्यूट है तुझे, सब लोग नीचे अच्छी अच्छी कमेंट कर रहे हैं तेरे लिए, मैं कब से पढ़ रहा हूँ, राइट। एक भी किसी बंदे ने गाली नहीं दी, सब लोग तेरे लिए अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। हाय हाउ आर यू, जैसे तो देखो भाई इसे बोलते खुददार इंसान। बंदे ने एक मिनट भाई है। बंदे ने भाई पैसा लेने से मना कर दिया, सोचो। एक इसको देखो और एक आदित्य बालियान को देखो। भाई तुम्हारा फॉलो मिलेगा ना अपने को? अरे पक्का पक्का मेरी जान, मैंने मैंने ये लाइव से निकलने के बाद तू मुझे डीएम कर देना, ठीक है? मैं डीएम मतलब अभी मैं एक मिनट, मैं तेरा आईडी एक मिनट, मैं ना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक मिनट रुक जा, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब मैं तेरा आईडी सर्च करके मैं तुझे फॉलो बैक दे दूंगा, पक्का दूंगा। हाँ वो तो ठीक वो ऐसा। और मैं पूरे इंस्टाग्राम में भाई। पूरे इंस्टाग्राम में पहला तो एक ऐसा बंदा है जो मैं तुझे बोलता हूँ तू कभी भी मुझे फोन कर सकता है, ठीक है? मैं तुझे फॉलो इतनी हाँ मतलब वीडियो इस पे कॉल करूंगा इंस्टाग्राम पे आप। हाँ तो कभी भी मुझे फोन कर सकता है, तुझे कभी भी हेल्प चाहिए इमरजेंसी में, इमरजेंसी में तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे बोल दियो भाई। देख ऐसे बहुत कम, ऐसे बहुत कम है दुनिया में, मैं सच बोल रहा हूँ। और मैंने तो ये देखा है कि अब सिर्फ जो गरीब लोग होते हैं ना उन लोगों में ईमान बचा है भाई, सच बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? वरना पैसे वाले लोग वही सोचते हैं कि भाई यू नो पैसा कैसे कमाए, मोर पैसा कैसे, यू नो बहुत सारी चीजें होती है भाई। लेकिन देख तेरी जिंदगी क्या है, तेरे लिए एक मैं सॉन्ग गाता हूँ, एक मिनट में सॉन्ग गाऊंगा नहीं मैं बजाऊंगा तेरे लिए, मुझे याद आ गया वो सॉन्ग, रुक जा एक मिनट। यस यस भाई मैं तेरे लिए एक सॉन्ग बजाऊंगा, एक मिनट रुक जा, तू बट लाइट सोडा है हो। ले मेरी जान ये तेरे लिए ये सॉन्ग है। हाँ मेरा भाई
भाई ये सॉन्ग, मैं फोन को नजदीक ले जाता हूँ, ये सॉन्ग तेरे लिए मेरे भाई। आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को सोने को बिस्तर नहीं, अपना पूरा है रखवाला, अब तक तू सीने पाला। क्या बात है, नंबर अपना पूरा है रखवाला, अब तक तू सीने पाला। भाई मैं पूरा सॉन्ग बजाऊंगा ना, लाइव बंद हो जाएगी, मैं नहीं चाहता हूं कि ये लाइव बंद हो, ठीक है? तो अब मैं तुझे कुछ इंस्टाग्राम के अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे मैं तुझे मिलवाऊंगा, ठीक है? हाँ शायद तू जानता होगा, हाँ एक हमारे प्रॉमिस है मेरे, एक प्रॉमिस करो आपके दीपक जी से बात कराएंगे। पक्का पक्का यार, मैं तेरी पर्सनली में बात कराऊंगा। और भाई इनको बस ठीक हो बोलेगा, इनको आप जानते हो, इनको आपने देखा हुआ है लाइव पे? रोला दिया, हाँ इनको देखा ही है भैया को, या ऐसे करे ना भाई, रुला दिया इस भाई ने, वाकई में दिल जीत लिया भाई। आपको कपड़ों की वैसे आप अपना बैटिंग करना पनोड़ी भाई, दिल से रोए आज आपके लिए भाई, आपके भाई तो से भाई जैसे तुम बंदे हो ना भाई, वाकई में सच्चाई में भैया सच में रुला दी भाई। भाई तौसीफ भाई क्यों समझ लो, क्या आप फेमस हो गए? खुदा अरे नहीं, अपने को फेमस ही होना था, अपने को बस दो, मेरे को फेमस ही होना था, मेरे को के पहले चलो खुदा रो, जो आप कह रहे हो कि मेहनत से, नहीं तो किसी को आज तक कह देना कोई पैसा, कोई मना नहीं करेगा भाई, कोई मना नहीं करेगा भाई। मैं सच में बोल रहा हूँ भाई, अरे देखो आपको कपड़े चाहिए सर, देखो मेरी बात सुनो, पर रहने का वैसे गद्दे बनवाना है, वैसे देखो मेरी ना मेरी जरूरत भी कम है, तो उसके हिसाब से मुझे पैसा भी कम लगता है। नहीं भाई आज पहली बार भाई रुला दिया भाई पनोड़ी भाई ने, कि भाई ऐसी लाइफ पे आप कह रहे हो रोज करो ये करो, भाई इनका दिल बहुत बड़ा है पनोड़ी भाई का। तो उसी भाई अपनी जरूरत जी, मैं महाराष्ट्र से, मुंबई से, धारावी। अच्छा अच्छा गोल्डी भाई, भाई मैं तोसी भाई तुझे फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? मैं भी करता हूँ भाई। अरे यार बहुत बड़ी बात है, मैंने 7 लोगों को फॉलो कर रखा है, 8वां आप हो। मैंने भी कर दिया भाई, मैंने भी कर दिया आपको फॉलो। मैं तौसीफ भाई ये सब बहुत बड़े बड़े अकाउंट है इंस्टाग्राम के, अभी मैं और लोगों से मैं देखा है इनको, फॉलो कर दिया आपको भाई, फॉलो कर दिया आपको, कभी भी जरूरत हो भाई। थैंक यू, कोई अपना बड़ा भाई समझ मैं ना करना सीरियसली बहुत बात करना चाहता था एक पनोड़ी भाई से और दीपक सर से। That you know that movie Slumdog Millionaire, yeah, the guy who, but you know from the same area, the slum area, the guy, this guy living in the same place. Hold on, buddy. Call me. अपना कैमरा घुमा, अपना कैमरा घुमा के जरा अपना घर दिखाओ। Look, buddy. People don't have choice, and you guys look. So far is leaving. आपका बिस्तर दिखाओ, ही स्लीप ऑन रूफ, यही ओढ़ेगा यही बिछाने का, नॉट इवन रूफ ऑन टॉप, यहाँ पे आप ओढ़ेगा इसको बिछाने का, जो भी कपड़े। अरे नहीं सर, यू गाइस थिंक ओनली मैन, यू गाइस तुमने रुला दिया ज्यादा ज्यादा, जिन्हें तो ज्यादा ज्यादा नींद भी अच्छी नहीं है, बॉडी रुकता है नरम गद्दे से,
भाई पनोड़ी भाई ने आज दिल जीत लिया भाई, जस्ट आई टेल यू नो दे डोंट हैव एनी चॉइस। अरे एक्चुअल में वो बोल रहे थे ना कि लात मारो, मैं बोला कि मैं लात लात मैं खाऊंगा, मुझे मारो, तो उन्होंने मुझे ऐड कर लिया। नहीं 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 भाई, मैं उनसे बोल रहा हूँ कि मुझे रोज मैं रोज तो करो, वो कर ही नहीं रहे मेरे को, कुछ बोल ही नहीं रहे। वो बंदा दिल जान लेता है, दिल से पहचान लेते हैं लोग, दस हजारों बंदों को बंदा जज करता है, रोला दिया तुमने बनोड़ी भाई। हाँ भाई, वो हमेशा इतने लोग उनकी लाइव पर रहते हैं, हजार दो हजार लोग, वो सबको रोस्टिंग कर रहे, लेकिन मैं बोला मुझे रोस्टिंग करो तो मुझे कर ही नहीं रहे। बताता जो सच्चा सच्चा इंसान होता है ना, उसका ईश्वर होता है, तो इसीलिए बनोड़ी भाई ने तुम्हें देख लिया कि भाई आप वाकई जेन्युइन मतलब एक रियलिटी मतलब भुगत रहे हो, जैसे आप जी रहे हो अपनी लाइफ। तो बहुत कम लोग हैं ऐसे रहेंगे या बिना पेरेंट्स के, और रहा भी क्या मुंबई इतना बड़ा शहर है भाई, 2000 रुपये आप महीने में रह रहे हो भाई, मैं कह रहा हूँ 900 रुपये क्या कमा रहे हो भाई। इसीलिए पनोड़ी भाई ने कहा कोई भी हेल्प की जरूरत है तो भाई हम आपके साथ हैं हर तरीके से। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई बात से कोई बात नहीं है, हो जाता है मैनेज, क्योंकि मुझे मेरी जरूरतें भी कम है। तो से मैं तेरी एक हेल्प कर सकता हूँ, तो अपने लिए एक कमरा देख ले, 10,000 रुपए पर मंथ मेरे से पकड़ ले। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, जो बड़े बड़े रूम में जाऊंगा ना तो वहाँ इतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा जितना यहाँ हूँ। तेरे को आदत हो गई है, बट हाँ बट यहाँ बारिश, मैं वहाँ जाऊंगा वो सोसाइटी में मैं रह नहीं पाऊंगा। अरे मैं इसको यूएसए, अरे मैं इसको यूएसए भी बुलाऊंगा ना तो ये कपड़े की जगह कूड़ा लेके आएगा बैग में। अपने को कहीं नहीं जाना है, इतनी दूर में जाना भी नहीं है यूएसए, अपना इंडिया बहुत अच्छा है, सुकून है। नहीं भाई तौसीफ, तेरे जैसे भाई मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से तू है वहाँ तेरे आसपास सब लोग तेरे जैसे ही होंगे, सब लोग जिंदा दिल लोग होंगे, सब लोग जिंदा दिल इंसान होंगे तेरे आसपास, सब लोग भाई मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, बड़ी बड़ी हवाबाजी करने वाले नहीं। यार तेरे से मिलके भैया ना बहुत मजा आया आज, मेरी ये जिंदगी की, मेरी ये पूरी लाइफ लाइव आज तक की इंस्टाग्राम पे ऐसी लाइव नहीं देखी, ये लाइव जाएगी सीरियसली। पनोड़ी भाई ये लाइव सेव करना भाई। हाँ, ये लाइव मैं सेव करूंगा, पक्का सेव करूंगा। आज मैं जैसे पहली बार जैसे रोना, मतलब सारे जितने भी भाई नहीं थे ना, सबने पहली बार मतलब पनोड़ी भाई रोए ना, तो भाई तुम कह रहे हो रोस्ट करो, एकदम तुमने इमोशनल कर दिया भाई। भाई तेरा जो नेचर है ना मेरे फादर जैसा है, मेरे फादर भी ना ऐसे ही है, खुददार आदमी, बिल्कुल कभी वो एक रुपया नहीं लेता, मैं उनका बेटा हूँ, ठीक है। तो भाई तू बहुत अच्छा आदमी है, और सही बताऊँ तो बहुत ऊपर भी जाएगा। और भाई इतने 500 लोग देख रहे हैं, मैं बस एक चीज कहूंगा कि भाई भगवान ने तुम्हें हाथ पैर सलामत दिए हैं, तो इस भाई से सीखो, मेहनत करो, बल्कि तुम भीख मांग कर रहते हो, कर दो वो कर दो, ठीक है, अपने दिमाग का, अपने हाथ पैरों का यूज किया करो भाई। नहीं वही सही है, मेहनत करने से, क्योंकि अपनी मुझे ज्यादा लगता भी नहीं है, हम लोग एक टाइम दो टाइम खाते हैं अच्छी से रहते हैं। मैं सच में गुल्डी भाई मैं सच में, और ये भी बात सुनो मेरी बात, इतना इतना हम लोग ठंडे में रहते हैं, पतरा है, बारिश पानी है, लेकिन कभी बीमार भी नहीं होते हम लोग। भाई बीमार होगा भी नहीं तो, पसीना बहाता तो इतना भाई, शाम तक। गोल्डी भाई इसकी बातों पे रोना इसलिए आया, इसने बेचारे ने हर बात पनोड़ी भाई को सच्चाई मतलब बताई है, मेरा भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे लोग हर बात इसने सच्चाई में दिखाई, मतलब कहते हैं ना कि भाई आदमी कई गलत जगह बैठा होता है, कहता है भाई कैमरा ऑफ कर दूं, भाई बेइज्जती ना हो जाए या वो ना हो जाए, इसने मतलब कोई छल कपट नहीं है इसने, मतलब हकीकत में इस बात से मेरे को रोना आया नीचे की, जो मैं देख रहा ना, इसने कहा ये मेरा वॉशरूम है, मैं यहाँ सोता हूँ, मतलब लोगों को आजकल एम्बैरेसमेंट का फील होता है कि हाँ भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सच्चाई जनता सुन रही है, इसने बेचारे इसने सच्चाई बोला सब, जो सच्चाई ये रह रहा है लाइफ में। अच्छा तौसीफ से एक सवाल है, तौसीफ तुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है मेरे में? बार रोस्टिंग करना, सबकी आवाज लगाना, एकदम मजा आता है।
भाई सही में गोल्डी भाई, मुझे कभी कभी प्राउड होता है मेरे खुद के ऊपर कि भाई मेरी लाइफ पे पढ़े लिखे से लेके लाइक यू नो सब लोग आते हैं, ऑटो ड्राइवर से लेके सब लोग आते हैं भाई, सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, तो भाई मुझे ना कभी कभी बहुत बहुत अंदर से एक अच्छी फीलिंग्स आती है कि भाई सब लोग इतने प्यार करने वाले हैं मेरी लाइफ में। बनोड़ी भाई तुम अफीम हो, अफीम हो तुम, अफीम पीपल पीपल लव यू लाइक अफीम। ओके भाई गोल्डी भाई कह रहा है दुकानदारी मेरी तब स्टार्ट होती है जब पनोड़ी भाई, व्हिच वन यू वांट आई डोंट नो मेन्यू, म्यूट कर देता हूं पनोड़ी भाई की लाइफ सुनता हूं तब मेरे से दुकानदारी होती है। हां मैं देखना स्टार्ट किया था बीच में से इसकी लाइफ, जस्ट टू फ्लेवर ले आता हूं मैं, पीना कलाड़ा एंड फ्रूट पैशन। मैंने भाई तुझे फॉलो कर लिया है, ठीक है, आठवां बंदा तू है मेरी आईडी है, मैंने भी करा भाई फॉलो भाई को। हां सुनील भाई को मैं जानता हूं, उनको देखता हूं, मैंने मैंने आपको फॉलो किया भाई, थैंक यू सुमित भाई, क्योंकि आपने हमारे इंस्टाग्राम के जो किंग है ना अपनी जान है, तुमने उन्हें रुला दिया, खुद भी नीचे इमोशनल हो। मैं बस वो किंग भाई ने रो दिया यार, मैं बोला शायद तो मैं इनकी लाइव पे आ गया, नहीं तेरे पार्ट नहीं आने चाहिए था, पार्ट एक रुलाने वाला ये था कि तुमने बोला कि नहीं भाई आप रो मत मुझे रोज मत, भाई मेरा दिमाग खराब है, हंसी भी आ रही है रोना भी आ रहा है, तुम कैसी बात कर रहा है। अरे आया यार मैं उनको रुके, मुझे रोस्ट तो करेंगे, मैं इसलिए आया उनको मैंने रुला दिया, गलत काम ये नहीं करते हैं। और हकीकत में भाई जब तुमने दिखाया ना इनका रोना आ गया ना, तो भाई समझ लो भाई तुम्हारी वो हो गई भाई, तो मैं अब पूरा इंस्टा जानने लग गया भाई अब। और भाई मैं कहूंगा जो भी बंदा महाराष्ट्र में रहता है भाई इसके जाके इसके बिजनेस दो थोड़ा। अरे कोई अरे नहीं मेरे पास आने का, अरे तुम्हारे जहाँ पे इडली का ठेला लगाते हो वो एड्रेस दो लोगों को, लोग भाई इसकी इडली खाओ थोक थोक के खाओ, तुम्हारा एड्रेस बताओ, एड्रेस बोलो। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के बाहर वेस्ट में, महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के बाहर वेस्ट 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 में, वेस्ट में बस स्टेशन से बाहर निकलेंगे वेस्ट में मैं दिख जाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो आप कितने बजे अपना ठेला कितने बजे खोलते हो आप? 24 घंटे सुबह 6 बजे, नहीं 24 घंटा नहीं रहता इडली का, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, सुबह 6 से रात को 11 बजे तक, आपका फ्रेंड जाता है शाम में 11 बजे तक। भाई सुनो तौसीफ भाई कोई आएगा नहीं आएगा, लेकिन मेरी बिच्छू पक्का आएगी नेक्स्ट वीक को। कौन बिच्छू? अरे बिच्छू मेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी बॉम्बे में कभी कभी आती है रहने के लिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो अभी फ्री में इडली फ्री क्या हुआ फ्री में रहेगी इडली पूरी, तो महालक्ष्मी मैं पक्का मैं कोई आए ना आए मैं आपको बोलूंगा कि वो कब आएगी, वो मैं आपको एडवांस में बोल दूंगा। नहीं नहीं ऐसे चले काम चले। नहीं भाई ये कह रहे हैं कि आप वो आएंगी भाभी आएंगी तो उनके लिए फ्री पूरा, ये वो कह रहा है, मैं कहा ऐसे काम नहीं होगा कैसी बात कर रहा है नहीं भाई, भाई इतना तो बनता है ना यार पनोड़ी भाई के लिए, तो अपने लिए ड्रेस कैसी बात कर रहे यार, तेरे को पनोड़ी भाई इतनी वो हेल्प, हम तो यूं कह रहे हैं भाई पूरा इंस्टा तेरे को हेल्प करेगा, मुंबई के जितने भी फैंस हैं भाई इस बेचारे को हेल्प करो नहीं नहीं कहते भाई। हां लास्ट शॉट दैट्स इट सर, भाई जितने भी बॉम्बे से हैं भाई आपको दिल से लव यू भाई, आपको सच में सैल्यूट है यार, मजा आ गया आज एक दो जब जैसे ऑनलाइन आए ना तो एक रोस्टिंग कर रहे थे वो गरीब अजय देवगन, इतना हंसी आ रही थी मुझे अजय देवगन से। अच्छा 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 गरीबों का जो देखें इतनी हंसी आ रही थी ना, फूल और कांटे का जो देखें अपना यही हिसाब रहता है, ठीक है भाई। मेरी लाइव में टाइमिंग आ गया ऊपर भाई, मैं आपको लाइव से निकलने के बाद मैं तौसीफ भाई आपको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई चलो मेरी लाइव बंद हो रही है, चलो गोल्डी भाई एना थैंक यू सो मच लाइव पे आने के लिए, बाय। Thank you.